वक्त मीडिया मेवात की मशहूर सामाजिक तंजीम में पंचायत राजस्थान जो अपने 84,000 मेंबर के साथ मेवात इलाके की खिदमत बड़े फक्र और अदब के साथ अंजाम दे रही है। इस तंजीम ने 14 जनवरी 2018 को अलवर शहर में एक विशाल कौमी इजलास का इनेकाद किया। इस मौके पर मेव कौम के होनार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अलवर शहर में मौजूद मेव बोर्डिंग की जमीन पर एक बहुमंजिला छात्रावास भवन बनाने की संगे बुनियाद रखी गई। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को भी सम्मानित किया गया। मेव पंचायत अलवर राजस्थान के सदर हैं जनाब शेर मोहम्मद साहब, तर्जुमान हैं जनाब मोहम्मद कासिम मेवाती साहब और सम्मान समारोह के कोऑर्डिनेटर रहे जनाब मोहम्मद याहिया सैफी साहब, सदर मिसास। अभी कुछ देर बाद हमारे एक और मेहमान राजस्थान सरकार के जो मदरसा बोर्ड की चेयरपर्सन है मेहरून निशा जी, वो कुछ ही देर बाद आएंगी और हम कार्यक्रम को विधिवत रूप से फिर शुरू करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बहुत कम वक्त में तमाम काम को कर दिया जाए। चूंकि मेहमान खुसूसी हमारे बीच में तशरीफ लेकर आ चुके हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ कि हमारा आज का जो ये कार्यक्रम है, इसका जो असल मकसद है वो ये है कि अलवर शहर के बीचों बीच और इस अतराफ में मेवात एक बहुत बड़ी आबादी में बसती है। और अली अनवर साहब को ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जब देश में हालात बड़े विचित्र होते हैं और हमें अफसोस होता है कि हमारा कोई भी प्रतिनिधि राजस्थान से इस बार विधानसभा में नहीं है, हम आपका इस मंच के माध्यम से जिला मेव पंचायत आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि आप मेवात के लोगों पर होते हुए अत्याचारों को संसद के उस सदन में उठाते हैं जहाँ पूरे विश्व में आपकी आवाज़ जाती है। हम आपके उस जज्बात का दिल से एहतराम करते हैं और आपने देश की उस सर्वोच्च संसद में पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को ललकारा कि मेवात एक ऐसी कौम है जिसमें जाबाज और बहादुर पैदा हुए हैं। आज उस कौम को इस तरीके से उनके नौजवानों के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम आपके तहे दिल से मेवात का बच्चा बच्चा आपका मशकूर है, आपका स्वागत है, आप हमारे दिलों में बसते हैं। चूँकि हम वो अल्फाज मेरे पास नहीं है कि आपके हम वो कहाँ से लेकर आऊँ कि आपकी शान में वो अल्फाज में कह सकूं, अदा कर सकूं, हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आपकी वो आवाज़ हमें ताकत देती है, वो कुव्वत देती है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब हमारा कोई हिस्सा इस राज में नहीं है, उस राज में नहीं है, तो आप हमारे जज्बात का एहतराम आइंदा भी इसी तरीके से उस सदन में करते रहेंगे, ये हम आपसे तवक्को करते हैं। साथियों, चूँकि अलवर में जिला मेव पंचायत अपने आप में एक बहुत बड़ी विशाल संस्था है और इसके अगर मैं काम गिनाने लगूं तो एक लंबी फहरिस्त है। हमारे साथी शेर मोहम्मद साहब और हम मिलजुल करके हर उस चीज से लड़ाई लड़ते हैं कौम के हक में कि जहां हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो खामोश होकर बैठ जाते हैं, उस हालात में हम सरकार से और प्रशासन से लड़ाई लड़ते हैं। मेवात के चाहे वो करौली का कब्रिस्तान हो, चाहे बहरोड की ईदगाह हो, चाहे चिकानी की मस्जिद हो, मान्यवर चाहे मदरसे की मीनार हो, कभी भी जिला मेव पंचायत जब हमारे साथ रहिए तो हमारे साथी ने आंखें बढ़ करके हर उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है जो हमें उठानी चाहिए। उसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, गोलेटा के कब्रिस्तान के सिलसिले में जो हमारा कब्रिस्तान था उसमें शेर मोहम्मद को पूरे 36 दिन जेल में रहना पड़ा, ये हमारी कुर्बानी है। इसके एवज में जो चीजें हमको मिलती हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कौम की बहबूदी और फला के लिए काम करना है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप सब लोगों की दुआएं चाहूंगा कि इस समय जो ये मौका है, जो ये हालात है, हम कोशिश करना चाहते हैं कि हमको एक सोच को पैदा करना पड़ेगा। हम मानवता की रक्षा करना चाहते हैं, हम इंसानियत की रक्षा करना चाहते हैं। जिला मेव पंचायत का ये पैगाम है कि इस देश में मानवता की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, लोगों की रक्षा हो, हमारे लिए सर्व समाज में हम मिलजुल करके चले। और जो जिस भाईचारे के लिए, जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस जापान में कहते हैं कि अगर
हमारे हिंदुस्तान को नक्शे से मिट जाएगा। अगर हिंदुस्तान से भाईचारा मिटा तो फिर दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का नाम मिट जाएगा। हम जिला मेयो पंचायत उस अहद को दोहराना चाहती है, सियासी और राजनीतिक तमाम चीजों से दूर होते हुए हम इंसानियत की बात करना चाहते हैं, हम तरक्की की बात करना चाहते हैं। माननीय कुछ ही देर में एक मेहमान आएंगे, हम उसके साथ हमारे कुछ साथियों ने जिन्होंने मेवात के लिए अपने अपने शोबों में अच्छे काम किए हैं, हम उनका एजाज करेंगे, उनको सम्मान देंगे जो जिला मेयो पंचायत से होगा। कार्यक्रम करने में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम सब साथियों का एक अच्छे मुकद्दस तरीके से मुअज्जज तरीके से हम उनका एहतराम बजा लाते हैं। और अगर कोई फिर हमसे कमी रह जाए तो खुदा न खास्ता आप जो है उस चीज का हमारे ख्याल का एहतराम करें, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में चाहता हूं कि अब वक्त का थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे और मैं चाहता हूं कि इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो, जलसा हो, मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, आप वक्त मीडिया की टीम से कवरेज करा सकते हैं और अपने प्रोग्राम को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आज ही हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, पता है www.youtube.com/c/वक्त मीडिया। कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। जी हां, नंबर है 9997640286। अब अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।